नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज। पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले को लेकर जेयूजे ने बेरमो एसडीओ और डीएसपी को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि बीते दिनों गांधीनगर थाना क्षेत्र निवासी सह आजाद सिपाही दैनिक अखबार के पत्रकार अनिल पाठक पर दो युवकों द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को तेनुघाट प्रेस क्लब में एक आवश्यक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उपस्थित सभी पत्रकारों ने सामूहिक रूप से घटना की निंदा की और बैठक उपरांत पत्रकारों के द्वारा बेरमो एसडीओ और बेरमो एसडीपीओ को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। इसको लेकर के जो आज पत्रकार यूनियन ज्ञापन सौंपा है डीएसपी और एसडीओ साहब को, तो अब इस पर यूनियन आगे क्या कार्रवाई कर रही है? सबसे पहले तो हम लोग मांग किए हैं, जो हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें, इसको लेकर हम लोगों ने वार्ता की है। और जैसा कि एसडीओ साहब के ये नहीं रहने के कारण जो ज्ञापन लिया गया है मजिस्ट्रेट साहब से, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया अपना। उन्होंने कहा कि मैं जितनी जल्दी उस पर कार्रवाई करूंगी, ताकि पत्रकार निर्भीकता पूर्वक होकर अपना कार्य कर सके, जिस सुनकर हम लोग बहुत खुशी हुए। और उम्मीद किया जा रहा है कि अति शीघ्र इस पर कार्रवाई होगी उन दोनों आरोपियों पर, और हम लोग की जीत सुनिश्चित होगी कि आगे किसी भी तरह का पत्रकार को हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं होगी। निर्भीकता पूर्वक कार्य करेंगे ताकि कोई भी अपना किसी भी जगह सेक्टर में जाए, क्योंकि हमारा ये अनुमंडल जो है बहुत ही ज़्यादा ये क्या बोला जाता एमसीसी से भरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन उससे भी हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा अभी हम लोग को संदेश मिला है, आगे भी हम लोग निर्भीक होकर काम करेंगे और करते रहेंगे। संघ इसको किस तरह से ले रही है? संघ, हम पूरी संघ के द्वारा ही बैठक बुलाया गया, और संघ जो अपना हम लोग है कि ये ऊपर हम लोग ने भी भेज चुका है। हमारे जो ये अध्यक्ष हुए प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी बोला कि मैं अति शीघ्र इस पर कार्रवाई, और वो भी वार्ता कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो वहाँ रांची में वार्ता कर लिए होंगे, उस पर भी अति शीघ्र कार्रवाई जो होगी वो नज़र आएगी। निश्चित तौर पर आरोपी गिरफ्तार होगा बहुत ही जल्द। क्या करना इस पर, क्या किस तरह का प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया जाए? इससे संबंधित आवेदन प्राप्त किया है, उसको देखते हुए जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी उसके विरुद्ध किया जाएगा, और पत्रकारों को यथासंभव जिस तरह से हो सके सुरक्षा और संरक्षण देने का हम लोग काम करेंगे, ताकि फील्ड में निर्भीक हो करके अपना काम को कर सकें। और जो भी जनहित के कार्य हैं, जो इन लोगों ने पत्रकार का जो योगदान रहा है अनुमंडल के विकास में और भी बहुत सारे क्षेत्रों में, वो लोग सुचारू रूप से अपने काम को कर सकें।